Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel, that is hashtag Vision, and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. Now for this new video of English, I have got one important topic for you again, which is scoring, which will help you gain 2%. ये 2% आपको कैसे मिलेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ. वो आपको उसमें क्या करना है पहले तो आप ये सुनिए. ओके, कि आपको यहाँ पर नॉन टेक्सचुअल पैसेज का क्वेश्चन आएगा. ओके, अब यहाँ पर ये जो पैसेज आने वाला है आपको, ये आपको टेक्स्ट बुक से नहीं आने वाला है. जो चीज हमेशा याद रखना, टेक्स्ट बुक से नहीं आती है, वो इजी से भी ज्यादा इजी रहती है. ऑलराइट, आपको सिर्फ क्या करना है, आपका डायरेक्ट अटेंशन आपको ना उस पैसेज के ऊपर आपको देना है, उसी के साथ में उसके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है, और डायरेक्टली आपको पूरा का पूरा आंसर आपको पैसेज के जरिए आपको पूरा मिल भी जाएगा, और आप उसको लिख भी पाओगे और स्कोरिंग भी हो जाएगा आपके लिए. जैसे कि यहाँ पर अभी एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, अगेन दैट इज फॉर 10 marks. यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, मैं क्या करूंगा इधर पे कि मैं पहले पैसेज नहीं पढ़ूंगा, मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ूंगा. हमेशा याद रखना है आपको कि पैसेज जब आएगा एग्जाम में, आपको पैसेज नहीं देखकर आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ना है कि क्वेश्चंस क्या क्या है. लिस्ट द डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय हाउस फ्लाइज. ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन पढ़ा आपने, आपको इसका समझ में आ गया मतलब कि डिजीज कौन सी होती है मक्खियों के जरिए. हाउस फ्लाइज मतलब मक्खियां. हाउ राइट, हाउ कैन यू गेट रीड ऑफ हाउस फ्लाइज यूजिंग द गिवन क्लूज. अवॉइड कैफ फ्रेश प्रोड्यूस कट टेक टाइम टू. ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका. मूविंग फर्दर हेड, वी हैव गॉट क्वेश्चन नंबर 3 एज यूजिंग द प्रीफिक्सेस गिवन बिलो. आई मेक श्योर दैट दिस बिकम्स विजिबल फॉर यू, 1 second. यस, यूजिंग द प्रीफिक्सेस गिवन बिलो, using the prefixes given below, make antonyms for the given words. There are some questions been given to you over here. This, im, an, in, miss. अब वो यूज करके आपको क्या करने का है, इनों का अपोजिट फाइंड करना है. ऑलराइट, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम एंड इट्स वेरी इजी बिकॉज इसका आंसर आपको डायरेक्टली इसमें पैसेज में मिल सकता है. ऑलराइट, एंड फिर आएगा डुएस डायरेक्टेड. डुएस डायरेक्टेड एंड द लास्ट पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आर 2 सच क्वेश्चंस wherein you will have to, you know, make your mind work a little bit, wherein you will not get the answer directly in the passage. ये आपको answer directly passage में नहीं मिलेगा. आपको क्या करना है, थोड़ा सा question को समझना है और उसका answer आपको लिखना है. Okay, तो चलिए देखते हैं. पहला question हमको जो बोला था कि what are the diseases that are caused by house flies, तो उसके लिए क्या करेंगे, we are going to just have a look onto the entire passage now. Okay, list the diseases that are caused by house fly. आपको क्या करने का है, सबसे पहले आपको क्या करने का, पूरा पैसेज पढ़ लेना है. ऑलराइट, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे अलग अलग डिजीजेस के नाम आने चालू हो गए हैं. यहाँ पर टाइफाइड दिखा आपको, फर्स्ट डिजीज आपका रहेगा टाइफाइड, कॉमा कॉलेरा, कॉमा डिसेंट्री. ओके, एंड सम कैरी लेप्रेसी एंड एंथ्रैक्स. यहाँ पे 5 डिजीज के नाम दिया है यहाँ पर. ऑलराइट, लेप्रेसी मतलब जो इंसान को कीड़े लग जाते हैं ना, उसको बोलते लेप्रेसी, डिसेंट्री. ओके, आपका जब पेट लूज मोशन होता है उसको बोलेगा डिसेंट्री, कॉलेरा, टाइफाइड आर बोथ वाटर डिजीजेस. इज इट क्लियर? आई हैव नो क्लू अबाउट एंथ्रैक्स, आई विल सर्च टू इट. दे इवन ट्रांसमिट द एग्स ऑफ पैरासाइटिक वर्म्स. तो ये नहीं लिखना है आपको, आपको ये चारों डिजीज के नाम लिख दिया आपने. देखा मैंने बोला ना आपको, इजीली आपको एकदम आंसर मिल पाएगा आपको. ऑलराइट, द नेक्स्ट थिंग इज राइट, हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ हाउस फ्लाइज यूजिंग द गिवन क्लूज. अभी आपको क्लूज मिलेगा, क्लूज में से देख के आपको बताना है कि आप हाउस फ्लाइज को कैसे ढूंढोगे. ऑलराइट, अवॉइड क्या करना है आपको, तो आपको पैसेज में यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा अवॉइड जैसा वर्ड किधर है यहाँ पर. ओके, अभी यहाँ पर बोला है सबसे पहले अवॉइड, तो अवॉइड को कैसे करने का आपको देखना, ये अवॉइड वाला सेम वर्ड यहाँ पर कहाँ दिख रहा है आपको, एग्जैक्टली देखा आपको यहाँ पर, ऑल्सो अवॉइड लीविंग डर्टी डिशेज इन योर सिंक. टिल द फर्स्ट डॉट यू आर गोइंग टू राइट डाउन द सेम थिंग ओवर हियर, अवॉइड लीविंग डर्टी डिशेज इन योर सिंक. सेकेंड इज कीप फ्रेश प्रोड्यूस, तो कीप फ्रेश प्रोड्यूस, यू हैव टू कीप फ्रेश प्रोड्यूस इन अ बैग और सील्ड कंटेनर. बैग में रखने का या तो सील्ड कंटेनर में रखना है. ऑल राइट, नेक्स्ट इज टेक टाइम टू. अभी यहां पर बोला गया है टेक, सॉरी कट बोला है, कट यहां पर लिखा है कट द लॉन्स. ऑल राइट, देन वी हैव अगेन गॉट अ फोर्थ क्वेश्चन दैट इज टेक टाइम टू.
टेक टाइम टू के लिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है यहाँ पर, तो टेक टाइम टू कीप योर यार्ड्स क्लीन। इजीली समझ में आया आपको, टू और टू फोर मार्क्स आपके जेब में आ गए, 1% पूरे आपके पास आ गए। ऑलराइट, नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 3A3, उस पे क्या है देखते हैं। A3 पे बोला है यूज द प्रीफिक्स गिवन बिलो मेक एंथोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। आपको प्रीफिक्स यूज करके क्या करना है, एंथोनिम्स बनाना है। ऑलराइट, तो लेट्स जस्ट सी द फर्स्ट वन। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, प्रोबेबल। तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ प्रोबेबल, यू हैव टू यूज ऑल द वर्ड्स इन द प्रीफिक्स गिवन बिलो एंड ट्राई टू मैच अप विद व्हाट इज द परफेक्ट वर्ड दैट वुड गो विद द वर्ड प्रोबेबल। ऑलराइट, दिस प्रोबेबल, नो, इम्प्रोबेबल, अनप्रोबेबल, इनप्रोबेबल और मिसप्रोबेबल। तो यू हैव टू मेक clear that the answer for probable is improbable. All right, I am improbable. Then we have got infect, clean. तो clean का opposite आएगा disclean, unclean, unclean, unclean या misclean. Exactly, इसका opposite आएगा unclean. समझ में आया आपको? Infect, disinfect, human, inhuman. All right, तो यहाँ पर ये जो miss है इसका कोई काम ही नहीं है। ऑलराइट, तो आपको इसको इधर पे अच्छे तरीके से लिखना है आंसर। वापस से आपको 2 marks मिल गए, यू हैव सम अप अराउंड 6 marks। यस, देन वी हैव गॉट डुअस डायरेक्टेड वाले क्वेश्चंस। डुअस डायरेक्टेड आपको इजीली करना है, वो भी एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, इट इज ट्रू दैट फ्लाइज रेयरली बाइट और स्टिंग। अभी यहां पर आपको पिकआउट द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड स्टेट इट्स काइंड, यहां पर आपको दिया है। सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला क्वेश्चन कभी भी आएगा आपको याद रखना है, सेंटेंस को 2 में बांटना है। ओके, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऑलराइट, तो मेन क्लॉज आपका क्या है, इधर पे दैट के पहले वाला जितना भी है वो आपका मेन क्लॉज है। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू आपने लिखा मेन क्लॉज। ओके, फिर उसके आगे दैट फ्लाइज रेयरली बाइट और स्टिंग, ये आपका है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। समझ में आ गया, क्योंकि यहां पर देखो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रेयर का ly फॉर्म यूज किया गया है ना, तो ये आपका रहेगा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। इज इट सिंपल एंड क्लियर फॉर यू नाउ? आई होप आपको इतना अच्छे तरीके से समझ में आया रहेगा। ये अगेन आपको 2 marks गेन करने में हेल्प करेगा। प्रोबेबल का अपोजिट मैंने आपको बताया था क्या है, इम्प्रोबेबल, इनफेक्ट, डिसइनफेक्ट, क्लीन, अनक्लीन और ह्यूमन, इनह्यूमन। ऑलराइट, अभी लास्ट क्वेश्चन जो आएगा आपको ना, वो आपका रहेगा हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम एनी डिजीज। ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला जनरल नॉलेज क्वेश्चन है जो आपको क्या करने का, अटेम्प्ट करने का है। ओके, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, हाउ विल यू कीप योरसेल्फ क्लीन। टू कीप वन सेल्फ क्लीन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हाइजीनिक पर्सनालिटी। ऑलराइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो डिसिप्लिन ऑफ क्लीनलीनेस। यस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन राइट मेंशन ओवर हियर अ पर्सन हु हैज डिजीज शुड ऑलवेज बी टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग and he should be taken special care while he goes out in public. Yes or no? Then apart from that you can write down that to avoid diseases or yahan pe main question kya bola, how do you keep yourself away from any disease? To healthy diet, healthy food, good habits, ye sare cheez aapko yahan par mention karna hai. Jo bhi aap mention karoge make sure karna hai ki wo 2 marks like ka content ho। ऑलराइट, आप मेंशन करो यहाँ पर और उसी के साथ में आपको 2 marks मिल जाते हैं। 10 marks स्कोर करना नॉन टेक्सुअल पैसेज में बिकम्स अगेन एन इजी पीजी लेमन स्क्वीजी टास्क एंड आई वॉन्ट यू गाइज स्कोर द 10 marks इंस्टेंटली। ऑलराइट, नाउ आई रियली होप दैट आपको ये वीडियो यहाँ तक का समझ में आ रहेगा। आई एम गोना पुट मोर वीडियो सच, आई वॉन्ट यू टू ट्यून इन टू माई चैनल टिल द एंड ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट। Please share the video with your friends. To help human is to help God, right? And also with that, make sure that you like the video. Like it. Please like it so that it can reach to the mass audience. Thanks.